जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सैयद कलीम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो यूएसए। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11, 11th ग्रेड और एफएससी फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 13, गैशियस एक्सचेंज। तो बेटे, गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है? उसमें तो ये जहन में रखे ना कि अल्लाह ने आपको क्या दिया है, लंग्स। ठीक है, लंग्स से आपने क्या करना है, वो गैस जो आपको चाहिए वो आपने लेनी है, और वो गैस जो आपको नहीं चाहिए वो आपने रिमूव करनी है। इसी तरह क्या दिखाया गया है कि जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउट फ्रॉम द बॉडी। चूंकि ये आपने पढ़ लिया है, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन डैश सर्व एज अ लिड विच ऑटोमेटिकली कवर द ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स। ऑप्शन आर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, डायफ्राम, प्लूरा। तो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको जो लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए, जो एक लिड की तरह का होता है। दी ऑप्शन इज एपिग्लॉटिस। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो एपिग्लॉटिस एक्ट एज अ लिड ड्यूरिंग स्वेलिंग टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू द लेरिंक्स। उसमें बेटे बात ये है कि ये देखें स्ट्रक्चर क्या दिखाया गया है। तो बेसिकली इसकी जो ये अगर इधर से दिखाया जाए ऐसे, तो ये सांस की नली है जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया, और ये खुराक की नली जिसको कहते हैं एसोफेगस। सो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो खाना यहाँ से ट्रेवल करते 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 कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, खुराक की नाली में जाना चाहिए ना, एसोफेगस में जाना चाहिए। सो दिस इज एसोफेगस, दिस इज ट्रेकिया। तो अल्लाह ने सिस्टम क्या बनाया है कि ये जो आपका विंड पाइप है या जिसको ट्रेकिया कहते हैं उसके ऊपर कवरिंग है। तो वो कवरिंग है, जैसे फूड आती है तो बेसिकली इसे ऊपर ट्रेवल करते हुए कहाँ चली जाती है, एसोफेगस में। तो अच्छी बात है ना। अगर ये खुदा ना खासा ये काम ना सही तरीके से ना करे या कोऑर्डिनेशन ना हो, तो ये अगर ये जो आपका फूड पार्टिकल्स है अगर ये सांस वाली नाली में चला जाए तो सडन डेथ भी हो जाती है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में भी दिखाया, में ये स्पेशल किट मौजूद होती है कि अगर आप खाना खाएं और चोक हो जाए तो उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन द स्मॉलर ब्रोंकाई अटेन द डायमीटर ऑफ दिस मच मिलीमीटर और लेस दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ब्रोंक्यूल का जो डायमीटर कितना होता है, 1, 2, 3, 4, दैट्स राइट, 1 मिलीमीटर। सो बेसिकली ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग्स डिवाइड्स एंड सब डिवाइडेड टू स्मॉलर ब्रोंकाई व्हेन दे बिकम 1 मिलीमीटर और स्मॉलर दे बिकम ब्रोंकियो। ओके, जैसे ये लंग्स है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो जब ब्रोंकाई जो है, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकी डिवाइड होगा राइट साइड पे या लेफ्ट साइड में, तो फिर आगे जाके डिवाइड से री डिवाइड का सिस्टम जो जारी रहता है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं। जब इतनी छोटी ब्रांचेस बन जाए जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर हो, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन एक्सपीरेशन व्हाट टाइप ऑफ एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। दो चीज़ें होती ना, इंस्पिरेशन जब आप जो सांस को अंदर लेके जाएंगे, एक्सपिरेशन जब आउट होगी तो उसमें क्या होता है। सो ऑप्शन इज एयर विद लो ऑक्सीजन एंड हाई CO2, वो बॉडी से बाहर जाएगी, या एयर विद हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड। इन एक्सपिरेशन एयर मूव्स इन, नन ऑफ द अबव। अब देखो एक्सपिरेशन में एयर मूव इन होती है कि आउट होती है, आउट होती है ना, तो दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज आउट, नन ऑफ द अबव। ये तो अभी हमें पता नहीं है, अभी देखते हैं। एयर विद हाई ऑक्सीजन और लो CO2, व्हाट डू यू थिंक? अब दैट्स राइट। सो एयर विद लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट फ्रॉम द लंग्स। अब ये पिक्चर देखें, इन एक्सपिरेशन एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, इसका पता पता है। एयर विद टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इज बैड फॉर हेल्थ, सो लंग्स रिमूव इट। नेचुरली समझें, जब भी आपने बायोलॉजी को स्टडी करना है, जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं वो बॉडी में रहती हैं, जो फ़ायदेमंद नहीं होती वो बॉडी से चली जाती हैं। अब इसको मज़ीद डिस्क्राइब किया गया था, ये है अल्विलाई, ये यूनिट है, इसको कहते हैं गैस एक्सचेंज यूनिट।
इस सबसे जो छोटा सा इसका जो स्पॉन्जी सा जो एरिया है वो है अलविदा या अल्विलस के अंदर छोटे छोटे अलविदा होते हैं। अब ये क्या दिखाया गया, दिस इज बेसिकली ब्लड। अब इन दोनों ब्लड के दोनों में कलर में फ़र्क है, ये है ज़्यादा रेड है और ये ज़्यादा रेड नहीं है, ब्लू है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कहते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड, वो कैसे, तो बेसिकली चूँकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ कर देगी, ज़्यादा से कम की तरफ चली जाएगी। और इसी तरह अलविदा में किस चीज़ की क्या चीज़ ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन जो है वो अलविदा से ट्रेवल करके ब्लड वेसल में चली जाएगी। तो ये चीज़ आपने बेटे नहीं बोली कि जैसे ही अलविदा या अल्वियोलस तक पहुँचने से पहले जो ब्लड वेसल है उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उस जैसे ही उसको क्रॉस करेगी तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएंगे, तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स, लंग्स कैन पुल एयर एज वेल एज पुश इट आउट। जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, कैन पुल एयर एज वेल एज पुश इट आउट, ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके, ये फॉल्स है। बेसिकली लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर, द लंग्स देमसेल्फ नाइदर पुल एयर इन और नॉर कैन दे पुश इट आउट। During inspiration, the passive expansion of the thoracic lungs occur and expiration is due to a passive contraction of the lungs. ये बात बड़ी मज़े की है। During inspiration, जब हम सांस लेते हैं तो passive expansion of the thoracic lungs, वैसे जैसे रबड़ है ना तो वो फूल जाते हैं, और जब expiration होती है तो that happens because of passive contraction. Basically lungs का कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे बैलून में कोई चीज़ आप डालो तो वो उसमें चली जाए और बाद में उसी की अपनी ही फोर्स से वो बाहर आ जाए। ये इंस्पिरेशन में दिखाया गया, अब देखो इसमें क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली क्या करें कि जब एयर बॉडी के अंदर जाएगी उसको इन इंस्पिरेशन थ्रेसिक कैविटी एक्सपैंड होगी, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाएगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट, और वो जो मसल कंट्रैक्ट करेंगे डायाफ्राम जो है वो भी कंट्रैक्ट करेगा, जब कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे को चला जाएगा। तो बेसिकली थ्रेसिक कैविटी में, इस कैविटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर आ जाएगा जैसे एयर वो लंग्स के अंदर चली जाएगी, समझाई। ऑन द अपोजिट, ऑन द अदर वे एक्सपिरेशन में जब आपने जो एयर बाहर निकालनी है तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से जब डायफ्राम रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम ऊपर चलेगा। अब देखो इसमें और इसमें बेसिकली थ्रेसिक कैविटी छोटी होगी, ज़्यादा प्रेशर से एयर बॉडी से बाहर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज contagious disease which causes damage in lungs resulting in cough and fever. कौन सी एक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से एक तो लंग्स जो है वो डैमेज होते हैं और फिर कफ और फीवर बहुत ज़्यादा होता है? ऑप्शन आर एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टेसिस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, जो कंटेजियस है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, दिस इज बेसिकली इज अ पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज दैट मेनली इफेक्ट्स द लंग्स, जो कि लंग्स को इफेक्ट करेगी ज़्यादा लेकिन और भी बॉडी पार्ट्स को कर सकती है। मेल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। जो बैक्टीरिया चीज़ को कॉज करता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जैसे ये पिक्चर दिखाएगी, बेसिकली लंग्स हैं उसमें लंग्स के इन्फेक्टेड हैं, और जैसे ये कफ करेंगे तो बेसिकली उस जो स्पूटम में या वो जो खांसी करेगा या हवा में, बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो आएंगे। अगर एक ऐसा इंसान या ऐसा कोई इंडिविजुअल साथ में बैठा तो उसको इनहेल करें तो उसके चांसेस ये हैं उसको भी टीबी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट जस्ट पुट लाइक गुड कमेंट्स, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग ऑन यूट्यूब सैयद कलीम शाह। If you want to talk with me or get more information or guidance, just come to City College Shahdara Campus 1 Jalal Center Machis Factory, or you can get more information from Campus 2 Shahdara Station. Allah Hafiz.